Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update and press the bell button. टोंक नगर परिषद में उपसभापति चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के 3 बच्चे होने की शिकायत को लेकर पहले हंगामा हुआ, निर्वाचन अधिकारी के समक्ष आपत्ति जताई गई और जब सुनवाई नहीं हुई तो बीजेपी के जो तमाम नेता हैं जिलाध्यक्ष नरेंद्र माहौर के साथ ही पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता के साथ जिला कलेक्टर टोंक किशोर कुमार शर्मा से मिले, अपनी आपत्ति जताई और कहा कि सरकार के दबाव में कहीं न कहीं प्रशासन काम कर रहा है। निश्चित आज जिस तरह का हालात टोंक प्रशासन ने, जो आरओ नवनीत जी हैं, उन्होंने जिस तरह का प्रशासन का चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसको दरकिनार करते हुए बिल्कुल कांग्रेसीकरण करने का जो काम करा है, सरकार के दबाव में रहकर जो काम करने का काम करा है, जब सरकार की गाइडलाइन है कि 3 बच्चों वाला व्यक्ति जनप्रतिनिधि नहीं बन सकता, जब उन्होंने तथ्यात्मक उनको प्रूफ दे दिया उसको देखना पसंद नहीं करा, बहानेबाजी करने लगा, इससे लगता है कि यहाँ कानून व्यवस्था के नाम कोई चीज नहीं है। जिस तरह नवनीत जी ने सीओ ने पुलिस अधिकारी को बुलाकर हमें धक्के देकर बाहर निकालने का प्रयास करा गया, निश्चित मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। ये कहीं पर भी बर्दाश्त करने वाला विषय नहीं। हमने हमारे प्रदेश नेतृत्व को इस बारे में जानकारी दी है। जिस तरह के हालात टोंक के प्रशासन के हैं, जिस तरह के सरकार के इशारे पर काम करने का काम कर रहे हैं, ये कहीं भी न्यायप्रिय रूप से इस चुनाव प्रक्रिया को बिल्कुल बाधित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर नहीं माना जाता है आपका आक्षेप तो मतदान को लेकर क्या होने वाला है? देखिए, मतदान तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको हमको मानना चाहिए, उसको करना भी चाहिए। मतदान करना एक अलग बात है, क्योंकि मतदान तो हमारा अधिकार है, इसको करना चाहिए। लेकिन जब प्रशासन ने जिस तरह के हालात पैदा करे हैं, जिस तरह के नियमों को ताक में रखकर जिस तरह के लोकतंत्र की हत्या करने का काम करा है, निश्चित सुबह के खिलाफ हम कहीं ना कहीं कार्रवाई भी करेंगे और ऊपर जाने का हम काम भी करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट एंड प्रेस द बेल।